आज का फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम क्वाड्रेटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, तो अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले जो रूट्स है उनका सम पता कर लेंगे। अल्फा, यहाँ पे रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई, यहाँ पर माइनस बी क्या है, साइन थीटा, ए क्या है, वन। वैसे ही अल्फा अल्फा बीटा का प्रोडक्ट देखेंगे क्या है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई सी क्या है, यहाँ पर माइनस टू साइन थीटा, ए क्या है, वन है। तो अल्फा डॉट बीटा का, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस टू साइन थीटा। अब इस ये जो इक्वेशन दी है आपको, इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अभी आपको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस साइन थीटा, और अल्फा बीटा क्या है, माइनस टू साइन थीटा। अभी इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा की होल पावर 24 है। अब 24 जो है, 24 को वैसे ही लिख देंगे, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 अपन 1 है। यहाँ पर अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 अपन क्या, अल्फा की पावर 12 इंटू बीटा की पावर 12। तो ये ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है वो कट जाएगी, बचेगा क्या, ये और ये जो अल्फा पावर 12 डॉट बीटा पावर 12, ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 12 और बीटा की पावर 12, और नीचे क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि अल्फा, इसको और क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा की पावर होल पावर 12 और अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। तो अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा है माइनस साइन थीटा, तो अपने अल्फा पावर है माइनस टू साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस टू साइन थीटा पावर 12। अब अपने को अल्फा माइनस बीटा चाहिए, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड होता है रूट डी बाय मॉड। अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या होता है, रूट डी बाय मॉड, रूट डी यानी रूट डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन मॉड। तो बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे बी क्या था आपने इसमें, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर टाइम्स ए क्या है, वन है, इंटू सी माइनस टू साइन थीटा। इसे क्या आंसर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस एट टाइम्स साइन थीटा। ये क्या हो गया, और डिनोमिनेटर में एक है, ये वन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा को डाल देंगे। अब अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 8 साइन थीटा की पावर 24, इसका रूट है ना। तो यहाँ पर अगर रूट है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब इसको रफ कर आखिरी सॉल्व कर करना है बस। तो अब सिंपलीफाइड इक्वेशन क्या बन गई, -2 साइन थीटा की पावर 12 अपॉन साइन थीटा को बाहर निकाल के, यहाँ पर जो साइन थीटा दोनों में तो साइन थीटा को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचा साइन थीटा प्लस 8 और साइन थीटा निकला तो उसकी पावर क्या 12, साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा पावर 12 यहाँ से निकली और यहाँ पर -2 की पावर 12, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 की पावर 12 पर साइन थीटा की पावर 12 साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12 साइन 8 थीटा, ये ऊपर और डिनोमिनेटर में कट गया, और आंसर क्या मिला 2 की पावर 12 अपॉन साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12। कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। तो आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में अपने को क्या करना था, अल्फा प्लस बीटा निकालना था, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट निकालना था, अल्फा माइनस बीटा निकालना था और फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना था, उसमें वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आ जाना था। इसमें भी वैसे ही कुछ करना है आपको, इसमें भी जैसे आप अभी सॉल्व करके देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व करके देखिए। मैं सॉल्व करके देखता हूँ, अगर आपको कुछ डाउट हो, अगर आपको सॉल्यूशन में कुछ डाउट आ रहा था अभी वो क्लियर हो जाएगा। इसमें भी पहले वही करेंगे, पहले क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो यहाँ पर अपने रूट्स क्या होंगे टैन अल्फा टैन बीटा, ये क्या होंगे रूट्स होंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा टैन अपने टैन अल्फा प्लस टैन बीटा क्या होगा माइनस बी बाई माइनस बी बाई क्या माइनस ऑफ माइनस रूट टू अल्फा अपॉन के प्लस वन। वैसे ही टैन अल्फा और टैन बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा सी बाई सी क्या है यहाँ पर सी होगा इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या होगा जैसे ये यहाँ पर वन माइनस के, अगर इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस वन प्लस के हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या होगी माइनस वन प्लस के और एक है के प्लस वन, इसको और कैसे लिख सकते हैं के माइनस वन अपॉन के प्लस वन से लिख सकते हैं, इसको यहाँ लेंगे और इसको वापस याद करते हैं। अब अपने को इसमें क्या ढूंढने को बोले कि अल्फा की लैम्डा की वैल्यू बताओ। अब लैम्डा की वैल्यू बताने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी लैम्डा की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे ये दिया है इसलिए कि इसका कुछ यूज़ करें। अगर इसको अब यूज करके देखते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 50 ये दिया हुआ है। अब देखो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या है इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टू टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा तो क्या है रूट टू अल्फा रूट टू लैम्डा अपन के प्लस वन रूट टू लैम्डा अपन के प्लस वन, नीचे में क्या वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा कितना के माइनस वन अपन के प्लस वन, इसको सिंपलीफाई करके देख लेते रूट टू लैम्डा अपन के प्लस वन, डिनोमिनेटर में क्या होगा के प्लस वन ऊपर जाएगा के प्लस वन और ब्रैकेट में जाएगा माइनस के प्लस वन माइनस के प्लस वन अपॉन के प्लस वन। अब दोनों डिनोमिनेटर में के प्लस वन है तो के प्लस वन के प्लस वन कर, यहाँ पर क्या बचा टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू रूट टू लैम्डा अपॉन ये माइनस के और प्लस के कट गए अपॉन टू बचा लैम्डा अपॉन रूट। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया टेन ऑफ लैम्डा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 50, तो इसको स्क्वायर कर लेते दोनों तरफ से, तो क्या होगा टेन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स टू वैल्यू क्या दी 50,
तो लैम इससे क्या पता चलेगा, लैम्बडा इक्वल्स टू 100। तो लैम्बडा की क्या वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस 10। लैम्बडा की वैल्यू प्लस माइनस 10 है। ऑप्शन में क्या है, प्लस 10 दिया हुआ, माइनस 10 तो दिया नहीं हुआ, तो अपना ऑप्शन क्या होगा, बी। समझिए आपको सभी क्वेश्चंस में, आपको जब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, तो दो चीज़ें तो फिर से होती है कि रूट्स का एक उनका एडिशन और उनका प्रोडक्ट आपको देख लेना, जो इक्वेशन दी है जो गिवन डाटा है उसको लिख लेना, फिर दोनों को मर्ज करके आपको आंसर निकालना है। इक्वेशन अगर बड़ी है जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, उसको सिंप्लीफाई कर लेना। यहाँ पर भी सिंप्लीफाई किया, टेन अल्फा प्लस बीटा को पहले अपन ने टेन अल्फा प्लस बीटा अपन 1 माइनस टेन अल्फा बीटा लिखा, फिर इसको वैल्यूज डाली, सिंप्लीफाई किया, तब आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी ये थर्ड क्वेश्चन है, आपको अभी पता है कि जेई मेन में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं पर सब्जेक्ट में, इस वजह से 20 क्वेश्चन क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, मतलब चार में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है, और फिर 10 तो क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो इंटीजर टाइप होंगे, तो इंटीजर टाइप की भी तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है वो इंटीजर टाइप में है, इसको सॉल्व करके देखिए आप, इजी क्वेश्चन है ये। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन 2x² प्लस ए माइनस 10 होल स्क्वायर एक्स प्लस 32 / a इक्वल्स टू 2a हैज रियल रूट इज। अब इक्वेशन में रियल रूट कब होगा, रियल रूट जब होगा जब डी की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ दो जगह टच करेगा एक्सिस को, यानी दो रूट से, और डी की वैल्यू जब जीरो रहेगी तब टच करके जाएगा। टच करके जाना मतलब क्या है, इसके दो रूट्स तो है पर दोनों रूट्स इक्वल है। यहाँ पर क्या है, टू रूट्स आर टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स आर इक्वल, टू रियल रूट्स आर आर अनइक्वल। ओके, तो अब डी की वैल्यू क्या है, इसमें डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू है यहाँ पर ए प्लस 10। तो देख लेते हैं इसको, ए प्लस 10, ए नहीं, ए माइनस 10, ए माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ठीक है 2। सी की वैल्यू क्या होगी, 32 / a माइनस 2 a। आपको ये समस्या ध्यान रखनी है, जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं वो तो किसी भी फॉर्म में दी हो, आपको जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर आपको जीरो डालना है, जितना भी आपको राइट हैंड साइड में दिया है उसको राइट लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, जितना भी आपको राइट हैंड साइड में दिया उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। तो यहाँ पर 2a क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में दिया हुआ उसको 2, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 33/2 माइनस 2a क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर ए माइनस 10 का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100 माइनस 8 टाइम्स 33 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, 33 माइनस 4a अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स, अभी 2 यहाँ से कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, तब बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100 माइनस 33 प्लस 4a, नेगेटिव साइन अंदर चले जाएगा तो माइनस 33 प्लस 4a ग्रेटर देन इक्वल्स। अब क्या बचा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर, अब माइनस 20a प्लस 4a तो क्या बचा, माइनस 16a। अब क्या यहाँ पर 100 माइनस 100 माइनस 33, 100 माइनस 33 कितना होगा, 77, कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं, सिक्सटी सेवन हो जाएगा,
आपको यहाँ पर 67 क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा है, इस पर माइनस 2a 20 प्लस 100 माइनस 10 32 माइनस माइनस हाँ ये 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस 33 इंटू 4 क्या होगा 132, देखिए सर 33 इंटू 4 क्या होगा 4 से टोटल करते करीबन 4 प्लस 132 16 है 32, तो यहाँ पर क्या ए स्क्वायर माइनस 20 है प्लस 16 है तो माइनस 4, अब 100 माइनस 32 क्या होगा माइनस 30, अब 32 क्या होता है 8 इंटू 4 प्लस 32, तो ए स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस 4 ए माइनस 32 कितना इक्वल टू जीरो, ए माइनस 8 ए ऐसे लिख लेते इसको, ए ए माइनस 8 प्लस 4 टाइम्स ए माइनस 8 इन ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस 4 ए माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका नंबर लाइन को कट करेंगे माइनस 4 8, तो इक्वल का साइन, अब क्या ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव साइन लेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस 8 माइनस इंफिनिटी माइनस 4 यूनियन क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। अब आंसर में क्या पूछा है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, अब ए की वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव जब ये माइनस 4 से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है और पॉजिटिव वाले में कैसे सर्व हो रहा है 8 से, तो लीस्ट पॉजिटिव वाली क्या होगी 8, तो आंसर क्या होगा इसका 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा बिकम रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इफ an equals to alpha power n minus beta power n comma power n greater than equals to 1 comma then the value of 8n minus 2a8 upon 2a9 multiply में is equal to option 3 by 3 minus 3 6 minus 6 इसको solve करके देखिए, तो चलिए अभी इसको solve करके देखते हैं, if alpha and beta are the roots of equation alpha and beta, अब इसमें क्या पूछा 8n की वैल्यू पूछिए, 8n क्या है 8n इक्वल्स टू अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10, वैसे ही a8 क्या है a8 इक्वल्स टू a पावर 8 माइनस अल्फा पावर 8 अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8, a9 क्या होगा अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, अब इसमें क्या पूछ रहा है 8n माइनस 2a8 और 2a9, अब क्या अपने को मतलब क्या निकलना है अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 माइनस 2 टाइम्स a8, a8 क्या है अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 अपॉन 2 टाइम्स a9, 2 टाइम्स a9 क्या है अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, इसको आप देखो कैसे करेंगे अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर, तो देखिए अल्फा पावर 10 माइनस 2 टाइम्स अल्फा पावर 8 माइनस बीटा टाइम्स 10 बीटा पावर 10 प्लस 2 टाइम्स बीटा पावर 8 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, अब यहाँ पर देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है अल्फा पावर 10 अल्फा और बीटा, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, कहने का मतलब कि अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, वैसे ही बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, अब इसमें अगर अल्फा पावर 9 को मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ होगा नहीं होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अल्फा पावर 8, अल्फा पावर 8 यहाँ पर क्या होगा अल्फा पावर 10 माइनस 6 टाइम अल्फा पावर 9 माइनस 2 टाइम्स अल्फा पावर 8 इक्वल्स टू 0, 0 इनटू अल्फा पावर 8 क्या होगा 0, अब देखिए
अल्फा पावर 10 माइनस 2 टाइम्स अल्फा पावर 8 क्या होगा? अल्फा पावर 10 माइनस 2 टाइम्स अल्फा पावर 8 इक्वल्स टू 6 टाइम अल्फा पावर 9। वैसे ही यहाँ पर भी देखेंगे, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीटा पावर 8 से मल्टीप्लाई है बोथ साइड्स पे बीटा पावर 8। यहाँ पर क्या होगा, बीटा पावर 8 नहीं बीटा पावर 10 माइनस 6 टाइम्स बीटा पावर 9 माइनस 2 टाइम्स बीटा पावर 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी बीटा पावर 10 माइनस 2 टाइम्स बीटा पावर 8 इक्वल्स टू 6 टाइम बीटा पावर 9। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर क्या होगा 6 अल्फा पावर 9 माइनस, यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन को बाहर निकाल लिए, लिख सकते हैं माइनस साइन को बाहर निकाल दिए तो प्लस माइनस कर दिए। अब इसके जगह डालेंगे 6 बीटा पावर 9 माइनस 6 बीटा पावर 9 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। अब 6 को बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पर, 6 टाइम अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा, ये कर दिया, आंसर क्या बचा 3। ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन था, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेईई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ एम इज चोजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर इक्वल टू 0 सच दैट द सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट कॉमा देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स, क्यूब्स बोले यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स रूट इज, तो सॉल्व करके देखिए आप पहले। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर क्या पूछा है एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है मतलब मॉड, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स रूट्स, तो रूट्स का मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो क्यूब का अल्फा बीटा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ये पूछा है इसको क्या लिख सकते हैं अभी मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा अभी इस मॉड को अलग भी कर सकते हैं, मॉड तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या होता है रूट डी बाय मॉड, रूट डी क्या होता है रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन मॉड, बी क्या है यहाँ पर बी है माइनस थ्री, माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए एम स्क्वायर प्लस का पर कर दिया, और सी क्या है एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या लिखा है एम इज चोजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट द सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट, सम ऑफ इट्स रूट्स ग्रेट होना ग्रेटेस्ट होना चाहिए तभी वो वाली एम की वैल्यू देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या है थ्री अपॉन माइनस भी हुई तो माइनस ऑफ माइनस थ्री अपॉन एम स्क्वायर प्लस इक्वल टू थ्री अपॉन एम स्क्वायर प्लस। अब ये वैल्यू ग्रेटेस्ट कब रहेगी, न्यूमरेटर को चेंज नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में वन को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एम स्क्वायर को चेंज कर सकते, तो एम स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी जीरो, तो एम को जीरो कर दिया, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई थ्री, मैक्सिमम वाली अल्फा प्लस बीटा की कब आई जब एम को जीरो लिया, तो इस इक्वेशन में एम की वैल्यू क्या डालनी है अपने को जीरो, तो अब जीरो डाल देते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या है यहाँ पर जीरो आ गए, तो यहाँ पर वन वन बचा, तो नाइन थ्री का स्क्वायर कितना होगा माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, तो अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस फोर अपॉन मॉड ए क्या है ए यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर की एम की वैल्यू करेगा जीरो, तो एम स्क्वायर प्लस वन क्या होगा जीरो प्लस वन तो वन ही आएगा, तो रूट फाइव अपॉन वन, तो अल्फा माइनस बीटा का मोड क्या है रूट फाइव, तो अपने को क्या बचा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये कैसे आएगा ये कैसे आएगा ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो यही आ जाएगा
क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का उसका क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, और उसमें से एक अल्फा बीटा माइनस कर दी पे उसका मॉड। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया था अपना, थ्री का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है, एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन। एक एम स्क्वायर प्लस वन कर लिया तो यहाँ पे बचा एम स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे एम की वैल्यू डालनी जीरो, तो अल्फा बीटा क्या आ गया वन, वन डाल देंगे कम नाइन, थ्री का स्क्वायर कितना है नाइन, नाइन माइनस वन का इक्वल्स टू एट। तो इसमें आप देख लेते हैं वैल्यू कहीं, तो इसकी वैल्यू पे टोटल टोटल की वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड कितना है रूट फाइव, और इस इक्वेशन का पूरा मॉड कितना है एट, टू एट। तो आंसर क्या है, एट रूट फाइव।